हाय गाइस, वेलकम टू दीवा मंत्रा। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। दिस इज अ रिएक्शन वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई विल सी यू इन फ्यू सेकेंड्स। आई एम बैक और मुझे काफी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि जल्दी से वीडियो लाऊं। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से वीडियो ले आती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस देखे, तो आप लोगों को बता दूं कल मैं दिन भर बिजी थी। 11 बजे मैं पूजा में गई थी और सात बजे से 10 बजे तक मेरा कुछ एक कंप्लेंट की हुई थी, उसका काम चल रहा था। मैं बताऊंगी आपको, अपडेट दूंगी बाद में कि वहां पे क्या हुआ। सो 7 से 10 बजे तक के बीच में कंप्लेंट के काम में बिजी थी। उसके बाद जब मैं आई तो मेरा सोशल मीडिया का हर अकाउंट वॉज बॉम्बार्डेड विद सो मेनी मैसेजेस, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। तो जब मैंने अपने इंस्टाग्राम के मैसेजेस चेक किए, जीमेल चेक किया, व्हाट्सएप चेक किया, सब जगह मैसेज भरे पड़े थे कि कुछ तो कांड कर दिया है साइक्लोन ने फिर से। ओके, तो चलिए उस कांड की बात करते हैं। अगर आप लोगों को ध्यान हो, पिछले लाइफ में किसी ने मुझे बोला था कि मैंने कुछ प्रूफ भेजे हैं आपको, और वो प्रूफ जब मेरे पास आए और मैंने देखा तो मैं तो दंग रह गई कि इस टाइप के भी लोग होते हैं दुनिया में, इस टाइप के भी बाप भाई होते हैं दुनिया में। बट दुनिया वाली मैडम ने जो है आपके सब कुछ एक सिरे से झुटला दिया। जब मुझे ईमेल आया था तो मैंने यही बोला था कि इस चीज के ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आई वॉज फीलिंग रियली वियर्ड। भी एक गंदी सी फीलिंग आ रही थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी। बट इट सीम्स कि किसी को जस्टिफाई करना था अपना वो पोस्ट जो मेरी कम्युनिटी पे इस वक्त लगा हुआ है, उनका फेसबुक का, राइट? और किसी को टारगेट करना था, अगेन नया इंसान, नए इंसान, नए रिलेटिव को टारगेट करना था, ये बताने के लिए या ये हिंट देने के लिए कि कहीं तुम ही तो नहीं हो इसके पीछे और ये सारी चीजें हमें पता हैं, इस टाइप का वीडियो था। तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ कि जब मैंने इंट्रो अपने कम्युनिटी पे एक फेसबुक का पोस्ट डाला हुआ था जिसके ऊपर किसी ने घर पे हुए कुछ बदतमीज या कुछ गंदी हरकतों के बारे में फेसबुक पे पोस्ट डाला था। अगर आप लोग ध्यान से उस पोस्ट को देखेंगे तो स्क्रीनशॉट 1 सेकंड के अंदर लिया गया था, राइट? तो अब एक चीज आपको बता दूं कि स्क्रीनशॉट 1 सेकंड के अंदर खुद की पोस्ट का एक इंसान ले सकता है, लेकिन कोई बाहर वाला या कोई दूसरा तीसरा जिसने पोस्ट करते ही उसे देख लिया हो, वो 1 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। आई एम सॉरी, पोगो यहाँ पे खेल रहा है इसलिए वो चूचू की आवाज आती रहेगी इस वीडियो में, मानेगा नहीं है। तो 1 सेकंड के अंदर अगर कोई एक पोस्ट डालता है, स्क्रीनशॉट लेता है और बोलता है मैं किसी एक ही इंसान को इस बारे में बता रही हूँ, और उस एक इंसान को वो पोस्ट भेजा जाता है और उस इंसान को पता होता है कि पोस्ट किसके पास था या एक दो तीन कितने लोगों के पास हो सकता है पोस्ट, ये तो वही इंसान जानेगा जिसने पोस्ट को 1 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट लेके किसी को भेजा और फिर उसे डिलीट कर दिया, राइट? अब उस चीज को हम जस्टिफाई कैसे करें या उस चीज के ऊपर हम साफ सफाई कैसे दें, तो एक प्लान होता है कि हम एक ऐसा ही पोस्ट फिर से बनाएंगे और एक हंगामा खड़ा करेंगे सोशल मीडिया पर ये कह के कि मेरा आईडी पासवर्ड किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास था, शायद ये वही इंसान हो या शायद ये कोई और इंसान हो जिसको फेसबुक का पोस्ट भेजा गया था, राइट? इज इट नॉट पॉसिबल? इट इज, राइट? और दूसरी चीज, ये पूरी मिली भगत है इन दो यूट्यूबर्स की जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है अपना चैनल। एक जन जंगल में मंगल कर रहे हैं और दूसरी दुनिया को डिप्रेशन बांट रही हैं, उनकी मिली हुई भगत है ये, ठीक है? क्यों, कैसे, मैं आपको बताती हूँ। इन दोनों में से एक अभी गुड़गांव गया हुआ था, ठीक है, और एक स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है कि ये देखो ये एक्टिविटी मेरी जो है यहाँ मेरठ से हुई है, यहाँ से हुई है, दिल्ली से हुई, जहां से भी हुई है, राइट? तो अगर आप जाते हो कहीं और एक ही अकाउंट को मल्टीपल डिवाइसेस में लॉग इन करने के उपाय होते हैं, पॉसिबल है, राइट? तो अगर दो में से एक ऑलरेडी दिल्ली में है तो वो वहां से अगर लॉग इन करेगा तो ऑब्वियसली वो लॉग इन में दिखाएगा कि ये एक्टिविटी यहां से हुई है। तो ये जो पूरा प्रकरण था ना, पूरा मेडअप पुकडअप स्टोरी थी, उस चीज को नलिफाई करने के लिए जो मेरी कम्युनिटी पे इस वक्त लगी हुई है, ताकि लोगों का ध्यान उधर से हट जाए, क्योंकि उसके ऊपर जस्टिफिकेशन देने के लिए मैडम के पास कुछ है नहीं।
ध्यान उधर से हट जाए, ध्यान बीपीएल से हट जाए, मेरे पिछले झोल से ध्यान हट जाए। आज का एक वीडियो आया है जिसमें सफेद झूठ बोला गया है कि ऐसा तब होता है। अपने पिताजी को लेके मैंने ड्रामा इसलिए किया क्योंकि जिसके घर में शराब पीने वाले रहते हैं, जिसके घर में लोग इस तरह से गायब हो जाते हैं, वो वही जानेगा, राइट? क्योंकि मेरे साथ जब ट्रेजेडी हुई थी, जब मुझे मेरे हस्बैंड की न्यूज आई थी कि आके अपनी हस्बैंड की बॉडी ले जाओ या इस टाइप का, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा था, जब सीधे सीधे सुनोगे ना, उसका यही मतलब निकलता है कि मेरे पास फोन आया था कि तुम्हारे हस्बैंड का भी ऐसा ऐसा हो गया, इसलिए मुझे डर लगता है। लेकिन पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे ना, तो मैडम ने बहुत क्लियरली बोला है कि हमें, मुझे ये बताया गया था कि हाँ लेकर आ रहे हैं, मैं तो किचन में खाना बना रही थी। तो आज कैसे वो चेंज हो गया आपका स्टेटमेंट कि फोन पे न्यूज मिली थी? मतलब इतना झूठ बोलने के बाद इनके सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि ये दुखी हैं और इनको दुख है। ये कहती हैं हमें ढेले का फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपको किसी चीज से ढेले का फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपके वीडियोस में दिख रहा है ना कि आपको सच में ढेले का फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? तो आपको इस न्यूज से, उस न्यूज से, किसी न्यूज से ढेले का फर्क नहीं पड़ा है। आपके वीडियोस आर प्रीटी मच लाउडर एंड योर एक्शंस आर स्पीकिंग वेरी लाउड। आप जो कहती हैं वो बस आप कहती हैं। दो दिन में ऑटोबायोग्राफी लिखी जाएगी, इमेजिन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम चला जाएगा। दो दिन में ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए, जिसको लिखने के लिए लोगों को साल लग जाते हैं, ये दो दिन में लिख देंगी और फिर उसमें ये नया चैप्टर भी ऐड कर देंगी। मतलब इन शॉर्ट इनकी ऑटोबायोग्राफी भी कहानियों से, झूठी कहानियों से भरी हुई होगी। ये लेडी, इसके सब्सक्राइबर बोलते हैं बहुत दुखी है। आप मुझे बताइए कहां से दुखी है, कहां से दुखी है और कौन इसके, हम लोग इसके मजे नहीं ले रहे हैं, सॉरी। इट्स जस्ट दैट शी इज कुकिंग अप स्टोरीज जिससे लोगों का मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है। लोग सोच रहे हैं बहुत दुखी है, बट दुख तो कहीं नजर नहीं आता है, लेकिन कहानियां तरह तरह की नजर आती हैं। अभी एक इनके वीडियो में इसने ऐसा झूठ बोला कि ये जो कपड़ा है, ये पीले रंग का कुर्ता, ये मैंने अभी ले लिया दुकान से, वहां सेल लगी थी, 300 या 150 रुपए का लिया था। दूसरे वीडियो में बोलती है सेम कुर्ता पहन के कि ये जो कुर्ता है ना, मेरी दोस्त ने मुझे दिया था। फिर भी ये सही है, लेकिन जिन लोग उस चीज को दिखा रहे हैं वो गलत है इनके सब्सक्राइबर्स के हिसाब से, ठीक है। घड़ी घड़ी झूठ ये बोलती है, भगवान की मूर्ति ये तोड़ती है, उनकी किताबें ये फाड़ती है, फिर ये बोलती नहीं मैंने भगवान की किताबें नहीं फाड़ी थी, किताबें तो मैंने अपनी फाड़ी थी जो मैं पढ़ती थी, राइट? लेकिन अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो इसने साफ बोला है कि मैं जो नॉवेल्स पढ़ती थी मैं उसे फाड़ देती थी, उसे फाड़ा और उसके बाद मैं गई जहां भगवान रखे थे, वहां भी कुछ किताबें थी, मैंने उसे भी फाड़ा। अब भगवान के पास कोई नॉवेल रखता है, कोई कैलेंडर रखता है, न्यूज़पेपर रखता है, क्या रखता है? भगवान की किताबें रखता है ना, या मैगजीन रखता है कि उसे फाड़ दिया? मतलब एक लेडी सोशल मीडिया पे लगातार झूठ बोलती जा रही है, लेकिन उसके सब्सक्राइबर्स का कहना है अकेले वो सही है, लेकिन जो लोग प्रूफ के साथ बता रहे हैं, लोगों की आंखें खोल रहे हैं कि स्ट्रैप में मत फंसो, ये सब गलत है, ये सिर्फ झूठ बोल रही है पैसा कमाने के लिए, वो सारे लाइन से गलत है। एक औरत जो लोगों को बोलती है कि मैं आपको रिश्ते कैसे निभाना है समझाऊंगी, उसका एक भी रिश्ता जगह पर नहीं है। आप लोग अगर ध्यान दें तो ससुराल वालों से रिश्ता खराब, माँ बाप से रिश्ता खराब, माँ बाप को कुत्ता बिल्ली बोल दिया, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, भाई से रिश्ता खराब, खराब खुद बोला है, भाभी से रिश्ता खराब, खुद बोला है, दोस्तों से रिश्ता खराब, दूसरे यूट्यूबर्स से रिश्ता खराब, और वो दे रही है ज्ञान रिश्ते कैसे निभाने हैं। मतलब तो साफ है ना, अगर इनकी बात कोई भी सुनेगा तो वो उसके रिश्ते बिगड़ेंगे, बनेंगे नहीं। जो लड़कियों को उल्टे सीधे ज्ञान देती है कि आप बॉयफ्रेंड बनाए हैं तो आप प्रोटेक्शन लेके घूमिए, आपको जो करना है करिए, बट साथ में प्रोटेक्शन लेके घूमिए ताकि घर वालों को कानों कान खबर ना हो और आप किसी मुसीबत में ना पड़े। और इनके सब्सक्राइबर बोलते हैं कि अरे ये तो बड़ी कॉमन बात है यार, हम तो बाहर रहते हैं, ये तो बड़ी कॉमन बात है, तो इनको भी बाहर ले जाओ ना, इनको भी बाहर ले जाओ। क्यों हमारे देश की लड़कियां इनके हिसाब से चले क्यों और काम ही क्यों करें ऐसे? ये कहती हैं मुझे ढेले का फर्क नहीं पड़ता, मैं, मेरे सामने 10 लड़के आ जाएंगे और 10 कुंवारे लड़के आ जाएंगे। इन्हें अगर ढेले का फर्क पड़ रहा होता तो इनके मुंह से ये बात ही ना निकलती है। जो इतना क्लेम करती हैं कि अपने हस्बैंड को बड़ा प्यार करती थी, अगर ये सच में प्यार कर रही होती ना, तो ट्रस्ट मी, आप लोग भी औरतें हैं, महिलाएं हैं, आप लोग मुझे बताना कि आप लोग को ढेले का फर्क पड़ेगा आप लोग के मुंह से, या आप लोग की पहचान में अगर कोई ऐसा है तो उसके मुंह से ऐसी बातें निकलेंगी कि मैं 10 लड़कों की लाइन लगा दूंगी अपने पीछे? ये इसलिए क्योंकि इनको ढेले का फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन इनको बहुत सारे ढेरों का फर्क पड़ जाता है जब मैं एक कम्युनिटी डाल के इनकी पोल खोल देती हूँ, तो जो मेरी कम्युनिटी है उसका जवाब दिया जाए कि वो वाली एफबी पोस्ट किसके लिए थी, क्योंकि इनकी ही आईडी से चैट हुए हैं जो इन्होंने खुद को ही बताए हैं, खुद ही सफाई दी है आके, ताकि लोगों का ध्यान उधर से हटके इधर आ जाए कि इनके साथ बहुत कुछ हो गया। तो मैडम एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी अकाउंट, कोई भी है ना, मल्टीपल डिवाइसेस में लॉगिन हो जाता है, इसलिए आप एडिट कर पाती हैं, इसलिए आप स्केड्यूल कर पाती हैं, इसलिए आप उसको यूट्यूब स्टूडियो से जा करके अपने पिताजी के वीडियोस को, मम्मी के वीडियोस को पब्लिक कर पाती हैं। और किसी का भी 99% लोगों का जो इंस्टाग्राम है ना, जीमेल से ही लॉगिन होता है, और ज्यादातर उनके अकाउंट्स जीमेल से ही लॉगिन होते हैं। इनका एक वीडियो आया कि मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया। एक सेकंड रुकिएगा, मुझे देखने दीजिए वो वीडियो कब आया था, क्योंकि वो वीडियो मैंने कल शाम को 7 बजे के आसपास देखा था। एक सेकंड, 18 घंटे पहले की वीडियो आती है, और उसके उस वीडियो में ये बोलती हूँ, और ऑब्वियसली वो वीडियो जब 18 घंटे पहले आई है तो एक घंटा 2 घंटा पहले तो बनी होगी, है ना, तो 20 घंटा मान लीजिए। वो वीडियो आती है, ये कहती है कि मैंने अपने इंस्टा का पासवर्ड चेंज कर दिया है, और उसके बाद एक कुछ जब मैंने देखा था 18 घंटे के बाद, ये कहने के बाद कि अब मैंने इंस्टा का पासवर्ड चेंज कर दिया है, ये फिर से एक एक्टिविटी का स्क्रीनशॉट लगाती है, कहती है ये देखो ये तो अभी भी दिल्ली से मेरा अकाउंट लॉग्ड इन है, जब आपने अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज कर दिया तो वो फिर उसके बाद वो दिल्ली से लॉग इन कैसे दिखा रहा है। इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ कहानियां बताई हैं लोगों, है ना, और ये कहानियां बहुत ज्यादा हो गई, 6 महीने से लोग बहुत कहानी सुन रहे हैं। और कहती हैं कि अभी इनकी एक मैंने कुछ पोस्ट देखी कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रही हूँ, या मैं अपनी जिंदगी की कहानी लिख रही हूँ, मुझे ज्यादा पेन से नहीं गुजरना है, इसलिए मैंने बोला कि मैं 2 दिन में वो किताब लिख दूंगी, राइट, 2 दिन में किताब लिख दूंगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पिछले 6 महीने से तो आप उसी चीज को भुना रही हैं, पिछले 6 महीने से घड़ी घड़ी आपके 1000 वीडियो आ गए होंगे कि आप रो रही हैं, आपको याद आ रही है ये हो रहा है वो रहा है, तो आप पिछले 6 महीने से उसी गम को आप अपने कैश कर रही हैं, तो किताब लिखने में ऐसा क्या एक्सेप्शन आ गया कि आप कह रही हैं कि हम 2 दिन में पूरी किताब लिख देंगे। तो ना ये आप लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़िए। और एक चीज जरूर बताऊंगी कि वो जो चैट इन्होंने दिखाई है और जिसके ऊपर इतना तांडव और ड्रामा किया है, वो चैट इन्होंने खुद की होगी ऐसा मुझे लगता है, और अगर इन्होंने खुद नहीं की है, किसी और ने की है इनके बिहाफ पे, और अगर ये बहुत ईमानदार हैं, जो कि ये मुझे तो नहीं लगता कि हैं, क्योंकि इनके स्टेटमेंट्स तो हर वीडियो में चेंज होते हैं, तो आप पुलिस में कंप्लेंट कराइए, इस चीज को सामने लेकर आइए। हम तो पिछली बार भी चाहते थे देखना कि किसने आपकी फेसबुक पे फेक प्रोफाइल बनाई थी, राइट, हमें देखना था। तो जब आपकी अगर फेसबुक पे फेक प्रोफाइल बनी तो आप कहती हम बहुत अच्छे हैं, हम माफ कर देते हैं, उसको माफ कर दिया, दिस टाइम इट इज समथिंग वेरी सीरियस। तो अगर ये किसी ने किया है तो आप पुलिस में कंप्लेंट करिए और उस इंसान का पता लगाइए। और दूसरी चीज, आप कंप्लेंट कतई नहीं करेंगी अगर ये आपने खुद किया है काम, क्योंकि कंप्लेंट करने से आपका ही नाम सामने आएगा और पुलिस आपको ही धर पकड़ेगी, ठीक है। तो गाइज इट्स वेरी क्लियर, अगर आप लॉजिकली सोचोगे ना, तो इसने ये जो पूरा इंस्टाग्राम का कांड करके बताया है ना आपको, ये उस फेसबुक के जो स्क्रीनशॉट है उससे फर्स्ट ऑफ ऑल सबका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, और किसी को क्लीन चिट देने के लिए कि वो बहुत शरीफ है और उसने ऐसा नहीं किया है, इन्होंने ये पूरा कांड करके कहानी बना के स्टोरी कुकअप की। अगर इन्होंने स्टोरी नहीं कुकअप की है तो ये FIR करेंगी और उस इंसान को सामने लाएंगी। अगर ये नहीं ला रही हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कहानी है और कुछ नहीं। तो ज्यादा आप इनके बहकावे में ना आइए, बिकॉज इट्स हाई टाइम, अभी इनके ना कमेंट सेक्शन में पता चल रहा है कि पब्लिक को समझ में आ रहा है, क्योंकि पब्लिक दूध पीती बच्ची नहीं है। और कुछ लोग हैं अभी भी जिनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एक ऐसी औरत को सपोर्ट कर रहे हो जिसके हिसाब से दुनिया में सब लोग गलत हैं, उसके सास ससुर गलत हैं, उसके माँ बाप गलत हैं, कुछ हद तक उसके भाई भाभी गलत हैं, और भाई भी गलत हैं, दोस्त गलत हैं, फेलो यूट्यूबर्स गलत हैं, सब कोई गलत है। इकलौती
सभ्य, सुशील और सुंदर जो है वो ये हैं, और ये कहती हैं इन्हें ढेले का फर्क नहीं पड़ेगा, और घड़ी घड़ी ये अपना यू नो शक्ति प्रदर्शन करती रहती हैं ये कह के कि हम इतने ब्यूटीफुल हैं, हम इतने सुंदर हैं कि हमारे पास लाइन लग जाएगी लड़कों की, और कुंवारे लड़के यू नो माइंड दिस, कुंवारे लड़कों की लाइन लग जाएगी। तो इनका टैलेंट है कि ये लाइन लगवा सकती है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइन लगा लें, एक को पसंद करके शादी कर लें, ठीक है, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा ठिकाने आ जाए, क्योंकि अभी जो आप कर रही है ना सब कुछ कहानी है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सब ये सारा हाई वोल्टेज ड्रामा इसलिए है ताकि आप लाख रुपए महीने के कमा सके यूट्यूब से। लोग बेवकूफ हैं जो आपको देख रहे हैं, जिस दिन लोगों ने आपकी इस ड्रामे को पकड़ लिया और देखना बंद किया, आपका चैनल डूब जाएगा, कोई नहीं देखेगा आपको, आपके भले लाख सब्सक्राइबर हों, 1.5 लाख हो जाएं, जब लोगों ने देखना बंद कर दिया ना तो आप उसके बाद लाइन पर आ जाएंगी। इसलिए इतनी कहानी मत बताओ, इतने लोगों को टारगेट मत करो कि जब लास्ट में हालत खराब हो जाए तो कोई खड़ा ना हो आपके बगल में, समझ में आया, कोई दोस्त, कोई यार, कोई नहीं आएगा आपके सपोर्ट में जब आप फंसेंगी तो। और हो सके तो प्लीज अपने आप को निर्दोष साबित करना है ना, तो FIR जरूर कराइए और पता लगाइए कि ये किसने की है इतनी गंदी चैट आपके नाम से। और अगर ये सच में आपने की है तो भी आपको FIR करानी चाहिए कि आपके साथ इतना कुछ होता है, क्योंकि इन दैट केस हम सबको आपसे सिंपैथी होगी अगर वो चैट सच्ची है तो। और अगर वो झूठी है तो मेरे ख्याल से आप FIR अगर नहीं कराती हैं तो सिर्फ इस डर से नहीं कराती है कि पकड़ी तुम जाओगी और कोई नहीं, ठीक है गाइस। और एक और चीज, मैंने जो एक लेटेस्ट मेरी कम्युनिटी लगी हुई है वो इस चीज का प्रूफ है कि इसका अकाउंट का लॉगिन किसके फोन पर है, राइट आप लोगों को याद है मैंने इससे पहले कुछ दिन पहले बोला था कि मुझे अपने सास ससुर का नंबर दे दो, मैं उनसे बात एक बार कर लूं, तो इसने मुझे ईमेल किया था, फिर ये बैक टू बैक मुझे ईमेल करने लग गई, बात खत्म हो जाती है ना, सास ससुर का नंबर दिया ओवर नहीं, बट उसके बाद इन्होंने एक लंबी कहानी बताई, मैंने छोटा सा रिप्लाई किया, मैंने इसको सिर्फ इतना पूछा था कि आपकी मदर इन लॉ को हिंदी में बात करनी आती है, यस या नो दे करके खत्म हो जाना था, नहीं लेकिन 7 से 8 ईमेल भेजे इस लेडी ने मुझे। उसके बाद इसका भाई कहता है कि तुम इसको ये सब क्यों बता रही हो, और ऑब्वियसली क्यों बता रही हो, मैंने तो नहीं पूछा था तुमसे, क्यों बताया तुमने, तो वो मुझे ऐसा मैसेज करता है, आई यू ऑल कैन सी हिज लैंग्वेज, मैंने भी रिप्लाई अच्छे से दिया था, ऐसा नहीं है कि मैं डर गई या ये हो गया, मैंने भी रिप्लाई अच्छे से दिया था, ठीक है। तो लेकिन उस वो मेल जो है उस चीज का प्रूफ है कि इसका अकाउंट day 1 से कौन संभाल रहा है, इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड किसके पास है, ठीक है, और इसका जो भी डाउट है वो किसी और के लिए एक वार्निंग है कि हमें शायद पता है कि तुम करा रही हो ये सब। तो ये आप लोगों को तो बोला गया है कि हमें पता है, बट वो एक वाइल्ड गेस है, सिर्फ वाइल्ड गेस, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो वाली फेसबुक पोस्ट इसने जिसे भी भेजी होगी ये उसी का नाम लेगी ना, अभी हो सकता है भैया इसने अपने घर में ही किसी को भेजी हो, किसी औरत को वो पोस्ट भेजी हो, तो ऑब्वियसली ये नाम नहीं ले रही है और किसी औरत के ऊपर शक जता रही है अपना, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो पूरा इसका जो प्रकरण है ना फेसबुक की पोस्ट से रिलेटेड है, 1 सेकेंड के अंदर स्क्रीनशॉट सिर्फ पोस्ट डालने वाला ले सकता है, क्योंकि अगर आप किसी की प्रोफाइल पे बैठे हैं और उसने नई पोस्ट की तो आपको तब तक नहीं दिखेगी जब तक आप उस पेज को रिफ्रेश नहीं करोगे, और रिफ्रेश करोगे तब तक भी 1 सेकेंड के ऊपर का टाइम हो जाएगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है ना तो आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, एक फोन पे आप अपना अकाउंट खोलिएगा, दूसरे फोन से आप एक पोस्ट लिख के उसे पोस्ट करिएगा, और फिर अपने दूसरे फोन से देखिएगा कि वो आपको दिख रही है कि नहीं, अंटिल अनलेस यू रिफ्रेश इट। और आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे ना, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि 1 सेकेंड के अंदर ऊपर का टाइम आपको दिखेगा, 1 सेकेंड का टाइम नहीं दिखेगा आपको, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड दिखेगा, लेकिन 1 सेकेंड नहीं दिखेगा, 1 सेकेंड सिर्फ पोस्ट करने वाले को दिखता है, और उस पोस्ट के बाद इसको घर से बाहर भेजा गया था कि तू बाहर जाके रह, ये सिचुएशन नहीं संभल पाएगी घर में रह के, तो इनसे बोलिए कि उस पोस्ट के बारे में बात करें, कुकअप ना करें स्टोरी है, अगर इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो शी शुड गो टू पुलिस, शी शुड गो टू NGO एंड सी हेल्प, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं होगा,
तमाशा करने से सिर्फ, लेकिन इसको पता है ना कि सोशल मीडिया पे करने से लाख रुपए महीना आते हैं, इसलिए अपने घर की ट्रेजेडी सब कुछ बेच देगी, सब कुछ बेच देगी गाइस। आप लोग सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बन रहे हैं, अपना टाइम डेटा वेस्ट कर रहे हैं, अपना दिमाग का जो पीस ऑफ माइंड है वो खराब कर रहे हैं आप इसे देख के। तो आप लोग इसको अवॉइड करिए देखना। और जो कहते हैं ना हमने नॉट रिकमेंडेड में डाला है, फिर भी इसके वीडियोज हमें दिखते हैं, आपको सिर्फ हिस्ट्री क्लियर करनी है, अपने यूट्यूब की जो हिस्ट्री है ना उसको क्लियर कर दीजिए, आपके पूरे यूट्यूब पे नई नई चीजें रेकमेंड होने लग जाएंगी, विच इज मच बेटर फॉर ऑल ऑफ यू। सो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।